स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है एनर्जी। ठीक है, तो अब एनर्जी आपको पता है, जो आप हमेशा से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, आप यही डेफिनेशन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, कि आपकी किसी भी काम को करने की कितनी एबिलिटी है उसको हम क्या है, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या मेजर करती है, इट मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, कि मतलब क्या करती है कि ये उस काम को मेजर करती है जो कोई भी बॉडी कर सकती है। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और वी कैन से इट मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन परफॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो वर्क है आपका, सॉरी एनर्जी है आपकी, वो क्या है, वर्क को ही डिफाइन करती है, क्योंकि एनर्जी भी क्या है आपकी, जो आप वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी है। तो एनर्जी की और वर्क की यूनिट जो है वो सेम। ठीक है, और वर्क क्या है आपका, जो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वैसे ही एनर्जी भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो और यूनिट क्या है एनर्जी की, आप इसको मेजर कर सकते हैं किसमें, जूल्स में। ठीक है, जो कि आपकी क्या है, SI यूनिट। ठीक है, क्या है ये, इसकी SI यूनिट है। बाकी इसकी यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो शायद मैंने आपको पहले भी बताई है। एक तो आपकी इसकी यूनिट होती है आर्च। ठीक है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी। ये सब आपकी क्या है, ये सब यूनिट है किसकी, एनर्जी की। ठीक है, फिर डायमेंशनल फार्मूला भी इसका सेम वही रहेगा जो एनर्जी का होता है, सॉरी जो वर्क का होता है। तो वर्क का क्या फार्मूला होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ये इसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जब हमने ये चैप्टर किया था डायमेंशंस वाला, तो हमने बताया था कि जो फोर्स का है वो आपको लर्न करना है, जो था एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टू टी माइनस टू है, ये आपका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा किसका, एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी में जो आपको स्टडी करना है, वो आपको कौन सी स्टडी करनी है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो कौन सी आपको एनर्जी स्टडी करनी है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये दोनों पार्ट जो हैं वो स्टडी करने हैं। ठीक है, तो अब आपको देखो बेसिक तो पता है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो कि आपकी मोशन की वजह से होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो इसकी हाइट की वजह से होती है। ठीक है, और फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका आप पढ़ते आ रहे हैं एम जी एच, ये दो फॉर्मूलेज आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो अब आज हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल्स भी आपको काइनेटिक एनर्जी के पता है, कि आप किसी भी, जैसे आप हैमर से ही किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो हैमर मोशन में आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर आप किसी नेल पर हिट करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में है, क्योंकि आपका हैमर, तो वो जो मोशन से उसकी एनर्जी है उसके पास, तो वो क्या कर रही है, उस नेल को किसी भी चीज़ के अंदर जिसके अंदर आप उसको इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, वो वहां पर इंसर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, किससे, हैमर से। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल भी आपने पढ़े होंगे, जैसे आप बोलते हैं कि जो स्प्रिंग है, ठीक है, जैसे आप की आपकी जो घड़ी है उसमें जब आप चाबी भरते हैं, पहले के टाइम में, आप चाहे आजकल तो सेल वाली आती है, पहले के टाइम में क्या था कि आप घड़ी में चाबी भरते थे, तो वो घड़ी में क्या कर रहे हैं आप, उसको पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम, डेरिवेशन, पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, इनिशियली वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कुछ टाइम के बाद क्या करती है वो, फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन कर लेती है, v। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट जो थी जिसका मास m है वो रेस्ट पर थी, हमने कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मास m, ये इनिशियली रेस्ट पर थी, इक्वल टू हमने क्या है, फोर्स लगाया। इस पर फोर्स लगाने के बाद इस m मास की ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी गेन कर ली है v। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट ने जब v वेलोसिटी गेन की, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया s। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए, अगर हम थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाते हैं,
ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, ठीक है। अब देखियो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। अब एक्सेलरेशन आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। और दूसरा आपके पास वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू एस, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर देखिए फोर्स की जगह आप एम में पुट करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाय टू एस, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन इक्वल्स टू, क्योंकि देखो एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, वर्क डन की तो है कि कितना वर्क हम कर पा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वर्क, कि वो कितना वर्क कर रही है। तो वर्क क्या है, वर्क ही हमें निकालना है, वर्क क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है यहां से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय टू एस इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या आ गई है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या एक्सप्रेशन आ गई है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ये तो आपके पास तब है जब आपने कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्स्टेंट फोर्स है तो आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स आ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स आ जाता है मतलब एफ की वैल्यू कुछ भी वेरी हो रही है, आपकी फोर्स वेरिएबल है आपका, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना इंटीग्रल टूल यूज करेंगे, जो कि हम हमेशा से करते आए, हमने पहले भी स्टडी किया है कि आप अगर स्मॉल ड्यूरेशन के लिए कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर आपको देखो स्मॉल वर्क डन हमें निकालना है, तो स्मॉल वर्क डन किसके हो जाएगा, एफ डी एस के इक्वल वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। टोटल निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो वही है, आप फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाय डीटी, और ये आपके पास क्या है, डीएस आ जाएगा। अब डीएस और डीटी को आप एक साथ रख लीजिए, डीएस अपॉन डीटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी डीवी, ठीक है। अब अगर आपको देखिए टोटल वर्क निकालना है तो आपको लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। तो अब लिमिट्स पुट करेंगे तो किसकी पुट करेंगे, वेलोसिटी की, ठीक है, किसकी पुट करेंगे, वेलोसिटी की। अब इनिशियली हमने क्या बोला था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर थी, ठीक है, तो रेस्ट पर थी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, उसने फाइनली कौन सी वेलोसिटी गेन कर ली है, वी तक उसने वेलोसिटी गेन कर ली है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मास क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, मास, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय टू, इसकी लिमिट पुट करेंगे जीरो टू वी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय टू। और यही क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या है आपका, एनर्जी के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फिर से हमारी एक्सप्रेशन वही आ गई, ठीक है। अब क्या है, ये तो आई थी हमारी क्या, जब हम वेरिएबल की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है या फोर्स है, क्योंकि फोर्स क्या है हमारा, वेरिएबल था डीवी बाय डीटी, इसलिए हमने लिखा। तो वी अगर चेंज हो रहा है तो हमारी फोर्स भी चेंज हो रहा है, ये तो आ गई आपकी एक्सप्रेशन इससे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिस पर, वो आता है क्या आपका, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्ट अब आप
छोटे बच्चे तो रहे नहीं है 8th 9th में हो कि आपके भाई डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करने को बोल दी गई है, ठीक है। अब आपके पास कुछ चीज़ हट के आएगी, वो है क्या, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv² के इक्वल होती है, और मोमेंटम आपको पता है जिसे आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट कराते हैं वो होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब क्या है, मास एंड वेलोसिटी तो है लेकिन एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा है, तो हम मास से ही मल्टीप्लाई और मास से ही डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m² v² / m। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 p² / m। तो अब p² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 km², और p की वैल्यू किसके आ जाएगी, √2 km², मतलब अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिलेशन, ये आपको लर्न होना चाहिए, किसका रिलेशन है, मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, अब वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी हम वर्क डन कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो भी वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो चेंज तो क्या होता है, वही तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम और कैसे देखो निकाल सकते हैं, हम कैसे बोलें इसको। अब देखो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम ए और एस ये वाली टर्म हम निकाल लें, आपके पास देखो तीन इक्वेशंस होती हैं उसकी मोशन की, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 at² तीसरी होती है v² - u² = 2as, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन में देखने को मिला हमें, हम क्या करें m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दे, तो एम ए एस की वैल्यू आ जाएगी फोर्स हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन के इक्वल इक्वेट कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करेंगे हम, तो देखिए अब हमने क्या निकाला था, वर्क डन हमने निकाला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हमने पुट कर लिया एम ए एस, ये वर्क डन आ गया। तो वर्क डन ही किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, वो हमें प्रूव करना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क क्या है, वर्क का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज हम वही निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क ना, अब देखो आपके पास ये इक्वेशन है v² - u² = 2as, अब as तो हमें मिल गया, हमें m चाहिए और 2 हटाना है, तो हम क्या करें इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें और m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं और m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे m से मल्टीप्लाई, v² - 2 से डिवाइड करेंगे और m से मल्टीप्लाई, u² = 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और m से मल्टीप्लाई कर देंगे m a s, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब ये क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1/2 mv² और v क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, u² क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपका इनिशियल। तो ये किसके इक्वल आ गया, आपका वर्क डन के इक्वल आ गया, क्योंकि वर्क डन हमने क्या निकाला है, मास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, वर्क डन के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो इस बेसिस पर मिलेंगे, तो ये हमारा क्या कहता है कि नेट वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा नेट वर्क डन। तो इसका मतलब अगर आपको वर्क डन निकालना है, फोर्स गिवन हो सकते, अभी तक हमने फॉर्मूला पता था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हो सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में गिवन हो, आपको बोल दिया जाए नेट
वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे इस पर बेस्ड भी कि आपको कैसे वर्क डन निकालना होगा, क्योंकि वर्क डन का अभी तक ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप वर्क डन निकालेंगे क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास, ये तो हमारे पास था कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए, लेकिन अब जो हम करेंगे वो वेरिएबल फोर्स के लिए। वेरिएबल फोर्स के लिए वही आप टूल यूज करेंगे, आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या है, वही डीवी बाय डीटी, जैसे आपने अब नारी जो वेरिएबल फोर्स के लिए थी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव की थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, मास, फोर्स, ये सब वैसे वैल्यूज लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वैल्यू ले लेंगे। तो अब आपको पता है, देखो अभी हमने किया था dW इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो जो हमने किया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट ds, हम जो यहाँ पर लेंगे वो क्या करेंगे, अब ds को हम कन्वर्ट कर लेंगे और टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt इंटू ds, ठीक है। तो आपके पास क्या है, वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, m। अब ds और dt आपने हमने अभी किया था तो आपको पता है ds, ठीक है। अब क्या, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v, तो क्या है m, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की लिमिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। ये है आपकी क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। हमने जो रिलेशन स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम, ठीक है, उसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, आपने अभी देखा था कि जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, आपको रिलेशन पता है, ये आपने पहले भी जैसे रिलेशन के हिसाब से किए होंगे कि जैसे कोई भी एक रिलेशन हमें दे रखा होता है, तो हमने बोल दिया कि इससे पहले जैसे आपने स्टडी किया, इसी में देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर ट्वाइस हो जाती है तो आपका मोमेंटम का क्या इफेक्ट है, या मोमेंटम आपका हाफ हो जाता है, मोमेंटम आपका ट्वाइस हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा, तो इसकी इफेक्ट से, या मास अगर आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या हमें चेंज जो है वो परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है। आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी जो भी वैल्यू है 20% से इंक्रीज हुई, 40% से इंक्रीज हुई, तो इस इंक्रीज को आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, और आपको जिसका रिलेशन, सपोज आपको बोल दिया काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई, आपसे बोल दिया कि मोमेंटम पर क्या इफेक्ट आएगा, या आपको बोल दिया गया कि मोमेंटम इतना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो, डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 50 जूल्स है, मास आपके पास 10 केजी है, तो आपको बताने की मोमेंटम कितना है, ठीक है। तो क्योंकि आप अभी कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगे, ठीक है। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका मास 10 केजी है, ठीक है, तो आपको बताना है मोमेंटम पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो आपको मोमेंटम भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से गिवन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखो, बोला गया है कि जो लीनियर मोमेंटम है, दैट मीन्स स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर रहा है बाय 20%, दैट मीन्स मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%। तो आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी वैल्यू आएगी। अब देखो, आपको पता है कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज तो करेगी ही करेगी, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि कितना इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसे रूट के साइन को हटा दीजिए, क्या करेंगे आप, इसके रूट के साइन को हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास ये 100% थी पोटेंशियल, वो सॉरी क्या है ये मोमेंटम,
अब ये इंक्रीज करके 20% इंक्रीज हो गई है, तो 120% हो गई है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2KM, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि 100% से 120% हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, अगर आप इसको लेंगे तो आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है। या आप बोल सकते हैं 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 आप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब पहले अगर 1 थी तो अब इसमें 1/5 और ऐड हो गया, तो इसका मतलब आप कितनी हो गई है, 6/5 हो गई है, क्लियर। क्या हो गई है, ये 6/5 हो गई है। तो मोमेंटम अगर अब 6/5 P हो गया है, तो आपको क्या निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आपके पास क्या है, देखो इनिशियली क्या था, काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम यही था, काइनेटिक एनर्जी ये थी। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 2m ये वैल्यू रहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का निकालना है आपको, कितनी इंक्रीज हो गई या कितनी डिक्रीज हो गई, ठीक है। या आपसे पूछा गया है जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां से अगर हम निकालते हैं तो k डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 P² / 25, और ये 2 फिर से डिवाइड में आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा m, ठीक है। तो अब अगर कैंसिल होता है 218 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आपको चेंज निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी डिक्रीज हो गई, ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है तो k डैश माइनस k वैल्यू करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, 18 P² / 25m -P² / 2m, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, P² / m कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या आ जाएगा, P² / m कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर आप यहां से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 नहीं आएगा, तो 36 माइनस एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 / 50, तो 36 में से गया आएगा तो क्या आ जाएगा, P² / m 11/50, ठीक है। ये वैल्यू आएगी 11/50। तो अब क्या है, चेंज निकालना है, तो ये तो आ गया है आपका चेंज, ठीक है। अब परसेंटेज में बात है, तो जो चेंज है उसको आप क्या है, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या है, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा न्यूमेरिकल से इस तरीके से आ सकते हैं आपके, एक दो न्यूमेरिकल हम एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।